शक्ति आराधना यानी हमारी व्यवहारिक लाइफ, डे टू डे लाइफ, डे टू लाइफ का सॉल्यूशन, इसे कहते हैं शक्ति आराधना। हम अपनी डे टू डे लाइफ जो जीते हैं इसके अंदर, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी सिस्टम, शक्ति का फ्लो किस तरह करना, कैसे करना, प्योरीफाई कैसे करना, एनर्जाइज कैसे करना, अट्रैक्ट कैसे करना, इनवाइट कैसे करना, एक्सचेंज कैसे करना एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी सिस्टम। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। तो क्या है एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन द फॉर्म ऑफ आवर बॉडी, बॉडी एक्शंस, नॉट ओनली बॉडी बट बॉडी एक्शन। देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, इट इज इन द फॉर्म ऑफ थॉट प्रोसेस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। ये सारी हमारी एनर्जी के फॉर्म्स हैं। अभी ये शक्ति आराधना में हम क्या कर रहे हैं पहले दिन से, तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स यानी देवियां, शास्त्रीय भाषा में पूर्व काल के अंदर इस भाषा स्वरूप नहीं था, इसलिए उसे देवी, दैवी स्वरूप बताया गया है, और उसीलिए उसको पिक्टोरियल फॉर्म में, इमेज फॉर्म में बताया गया है। लोगों को समझ में ना आए इसीलिए उनको इमेज बताया गया है कि महाकाली देवी, फिर दुर्गे देवी, दुर्गा देवी, ये नवरात्रि के पर्व में मैंने दो तीन दिन पहले भी बताया था कि नॉर्थ में ये प्रचलन है सप्तशती, सप्तशती यानी 700 श्लोक का दोहन सुबह शाम, सुबह 3 घंटे लगते हैं, शाम को 3 घंटे लगते हैं, 700 श्लोक उच्चारण करने में कई लोग करते हैं, लेकिन अगेन इट बिकम्स अ फिजिकल मैकेनिकल एक्सरसाइज। वो श्लोक नहीं है, वो मंत्र है वास्तव में, और जो उसका उच्चारण करता है वो पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है, उसे चंडी पाठ भी कहा जाता है। तो चंडी पाठ का पूजन होता है 9 दिन का, बहुत जबरदस्त वातावरण होता है हवन के साथ जो लोग करते हैं बड़े समूह के साथ, तो पूरा वातावरण दिव्य बन जाता है, उतनी ताकत है, क्योंकि वो ताकत में क्या है, नेगेटिविटी निकलती है, सब जला के राख करती है। ये सप्तशती दुर्गा की सप्तशती है, उसका रोल क्या है, नेगेटिविटी को जलाना। हम जो हमने दूसरे दिन काम किया था ना, नमो जिनानम जी अभयानम, ये बाह्य, और आंतरिक में हमने क्या बोला, ओम रीम ऐं क्लीं दुर्गाय नमः, शॉर्ट फॉर्म है वो। लेकिन ये जो सप्तशती है, सप्तशती यानी 700, सप्त यानी 7, सती यानी 100 श्लोक्स मंत्र, तो उसका जो उच्चारण करता है सप्तशती का, बहुत जबरदस्त, इट नॉट ओनली रिमूव्स नेगेटिविटी, बट वंस नेगेटिविटी इज रिमूव्ड, लॉट ऑफ एनर्जाइजेशन, प्योर एनर्जी एंड डिवाइन एनर्जी गेट्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड विद इन यू। तो ये 9 दिन में इतना मात्र दुर्गा सप्तशती के ऊपर चलता है। हम यहाँ स्टेज वाइज एक एक दिन अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहे हैं। पहले दिन महाकाली माता यानि स्टॉपेज ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्लोइंग इनसाइड अस, सेकेंड डे रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम विद इन अवर सेल्स एंड आउटसाइड अवर सेल्स, विद इन अवर सेल्स एंड आउटसाइड अवर सेल्स। तीसरे दिन आफ्टर रिमूवल व्हाट टू डू, तो के आफ्टर रिमूवल साफ, घर को साफ सफाई करने के बाद क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं ना, हाँ सजाते हैं ना, पहले साफ सफाई करते फिर सजाते हैं। बस सिमिलरली हमें अपने अंदर को और हमारे आसपास के वातावरण को
बैलेंस करना है, बैलेंस दिस बैलेंस करना यही सजाना है, यानी सत्व रजस तमस को बैलेंस करना। जैसे ये कार्य बैलेंसिंग का शुरू होता है, वैसे हमारे अंदर डिवाइन एनर्जीज का अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, और वो डिवाइन एनर्जीज का अट्रैक्शन होने से क्या होगा, श्री यश संपत्ति साधन सामग्री इनकमिंग आना शुरू होगा। तो हमारे अंतराय तोड़ना यानी कि ऑब्स्टेकल्स तोड़ने का महा बाण उपाय कौन सा है, तो ये पहले तीन दिन। सो थर्ड डे फोर्थ डे ऑनवर्ड्स हम महालक्ष्मी माते का पूजन करते हैं। महालक्ष्मी माता यानी प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी कैन एंटर ओनली इफ यू फर्स्ट थ्री डेज इफ यू रिमूव ऑल दिस नेगेटिविटीज, इट कैन नॉट एंटर ऑन इट्स ओन। तो पहले तीन दिन का काम किया होगा तो ही, नहीं तो जो सीधे चौथे दिन आ जाएगा महालक्ष्मी हुई त्यारे पहुंची जैसो आप कहीं न थवानु भाई, कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी डेफिनेट डिफाइंड प्रोसेसेस, नॉट ओनली टू गो बट टू इंप्लीमेंट इन योर डे टू डे लाइफ मूवमेंट। आपके रोज बरोज जीवन में चलना बोलना फिरना काम धंधा करना बोल सब कुछ जो भी व्यवहार में आता है वो सब प्रोसेसेस में इसको करना है हमें। और इसीलिए अपने आप फिर हमारी ऊर्जा ऐसी बनती है, अट्रैक्टिव ऊर्जा बन जाती है लोगों के लिए। वंस यू स्टार्ट, पहले तीन दिन का कार्यक्रम आपके रोज बरोज जीवन में आ गया, स्टॉप रिमूव बैलेंस, स्टॉप रिमूव बैलेंस, इट शुड हैपन एवरी डे एंड आफ्टर सम टाइम, नॉट एवरी डे एवरी मोमेंट। तो ये आराधना करने का मकसद क्या है कि हमारे जीवन व्यवहार का शुद्धिकरण। नमो जिनानम जिया भयानम, नमो जिनानम जिया भयानम, नमो जिनानम।